गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.4। तो हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 2 के जो 3 पार्ट्स थे वो पहले पढ़ लिए, आज हम फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000। सी आस्क टू द कैशियर गिव हर 50 और 100 नोट्स ओनली। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100। हमने लिख दिया लेट मीना रिसीव नंबर ऑफ नोट्स, वैक्स नंबर ऑफ नोट्स किसके 100 के लिख दिया और 50 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो उसको 25 टोटल मिले थे, उसने टोटल जो पैसे लिए 2000 थे, तो 50 के एक्स नोट थे, 100 के वाई, तो वो भी लिख लिया। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 अब बन गया है, मैंने पहले लाइक करके रखा था, ये 1 बन गया और ये 2। तो जैसे ही मैं 2 को फर्दर आउट सॉल्व करूंगा 50 कॉमन निकल जाता है, 50 बाहर रखा तो x प्लस 2y और इधर 2000 काटूंगा तो आ जाएगा x प्लस 2y। 0 से 0 कट गया, 5 4 का 20 होता है 30, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40 आ गया। अब हम डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट 1 माइनस 3 भी है। जब भी सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 25 और x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। तो मैंने सब्सट्रैक्ट माइनस 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 x x कट गया, माइनस का y। जब भी मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा 40 को 25 से तो माइनस का 15 बचेगा, बड़ी टर्म का साइन, तो y की वैल्यू आ गई 15। मुझे अभी ये 15 इक्वेशन नंबर 1 में डालना है, तो हमने जो वाई का इसमें डाला तो एक्स प्लस 15 25 माइनस 15 एक्स की वैल्यू 10 है, एक्स की वैल्यू 10 आई, वाई की वैल्यू 15 आई। तो हमारा क्वेश्चन इसी के साथ यही भी ओवर हो गया। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। उसमें लिखा है A leading library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 for a book kept for 7 days while she pays 21 for book kept 5 days. Find the fixed charge for extra day. So, hum extra charge nikalna hai. तो फिक्स चार्ज लिख लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज, लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज को एक्स माना, एडिशनल चार्ज रखा था एडिशनल चार्ज को वाई मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पर्सन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहली बार सरिता ने पेड किया वो उसने एक्स को जो फिक्स था वो तो दिया ही दिया पर 4 टाइम दे दिया, वो किसके बराबर आता है 27। तो इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अगर दूसरा रहता है हमारे पास, दूसरा लिया शशि ने, पूरा एक्स तो फिक्स चार्ज था पर उसने 2 टाइम किया उसको और बन गया टोटल 21। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो दोबारा सब्सट्रैक्ट करेंगे, सब्सट्रैक्ट 1 माइनस 2 वी गेट एक्स प्लस 4y 27 x माइनस 2y 21 माइनस प्लस माइनस कट गया
सिक्स वाई इसे काटा तो 6 ही रहता है तो y की वैल्यू वन आ y की वैल्यू कितनी आई 1। यहां पे थोड़ी ये प्लस था तो यहां भी प्लस ही आएगा या माइनस तो माइनस करेंगे 2 आ गया और इधर 3 आएगा तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें और हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की भी आ गई है तो हम सिंपल सा पहला निकाल सकते हैं कि पहले उसने कितने रुपीस पेड किए और दूसरी बात कितने किए। दूसरे के लिए निकाल लेते हैं तो सब मल्टीप्लाई इसके 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स 21 तो x की वैल्यू आ गई 6 21 और x 21 माइनस 6 एरिस तो x की जो वैल्यू आ गई 15 हमारे पास y और x के वैल्यूज आ गए जो y की वैल्यू थी वो 3 थी है x की वैल्यू थी वो 15 तो हमारा क्वेश्चन और एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म होगी। थैंक यू।